श्री नरेंद्र मोदी भारत की पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वोदय की कल्पना किया, पूर्वोदय की योजना बनाई, पूर्वोदय के लिए हाथ पकड़ा। हाथ कैसे पकड़ा? गुजरात से चुन के भी रह सकते थे, उन्होंने आया बनारस। पूर्व भारत की मुख्यशाला विद्यानगरी काशी का प्रतिनिधित्व किए। आज क्या हो रहा है पूर्व भारत में? पूर्व भारत के बारे में मैं अगर एक तथ्य उपसभापति जी आपके सामने रखूं, जो गरीब कल्याण की योजना मैंने गिनाई, उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ में से पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत जब मैं कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, समूचा पूर्वोत्तर सिक्किम से लेकर त्रिपुरा तक, यह इलाका में 8 करोड़ में से आधे से ज्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला की लाभार्थी उसी इलाका में है। प्रधानमंत्री आवास योजना अगर देश में 2 करोड़ बने हैं, 1.12 करोड़ इसी पूर्वी भारत में है। अगर टॉयलेट 10 करोड़ बना है तो उसी में से 4.5 करोड़ इसी पूर्वी भारत में है। अगर इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ देश में लगे हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा पूर्वी भारत में है। पीएम किसान योजना में एक एक किस्त में सालाना 16,217 करोड़ आज जाती है। एलपीजी कनेक्शन, मैं तो उज्ज्वला को पहले तथ्य दिया, एलपीजी कनेक्शन लगभग 29 करोड़ में से 11.5 करोड़ पूर्वी भारत में है। जनधन की खाता 41 करोड़ 74 हजार जनधन खाते में से 16 करोड़ 22 लाख जनधन खाता पूर्वी भारत में है। ये और एकल विद्यालय, अभी अभी बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा है एकल विद्यालय की आदिवासी बच्चों के लिए, जनजाति बच्चों के लिए 20 करोड़ वाला एकल विद्यालय और 30 करोड़ भी खर्चा होगा। पूर्वी भारत में 304 संख्या में आज एकल विद्यालय खोला जा रहा है। यह केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए नहीं है, वहां से पूर्वी भारत से ज्यादा लोग माइग्रेंट लेबर आते हैं, रोजगार वही हो उसके लिए खनिज, आयरन ओर, स्टील, कोयला, रोड सेक्टर, रेलवे, इंटरनेट, वाटरवेज और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा में तो हमने पहली बार पूर्वी भारत में नेचुरल गैस की पाइपलाइन जगदीशपुर से लेकर हल्दिया तक खींचा है। इतना ही नहीं है, बरौनी से पूरा नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में प्रधानमंत्री के निर्देश में इंद्रधनुष योजना शुरू किया गया है। पहली बार भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए गैस पाइपलाइन में तिजोरी से पैसा दिया है। यह प्रधानमंत्री जी के पूर्व भारत की ढांचा के लिए तत्परता है। और उड़ान योजना में उपसभापति जी, मेरे मोह हो रहा है 2-3 चीज और उल्लेख करूं। जमशेदपुर, झारसुगुड़ा, दुर्गापुर, दरभंगा, आपकी पुराने राज्य दरभंगा, देवघर, आप उससे जुड़े रहते हैं, आसाम की पासीघाट, अरुणाचल की पासीघाट, लोअर आसाम के रूपसी, डिब्रूगढ़ जिले की एक नया एयरपोर्ट है, और होलांगी अरुणाचल के ग्रीनफील्ड एयरफील्ड में, इसलिए ये सब 6-7 पूर्वी भारत की एयरपोर्ट के नाम लिया। ये कोई पटना, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि रहा, जब तक पूर्वी भारत पश्चिम और दक्षिण के बराबर नहीं होगा, भारत में समूचा विकास संभव नहीं है। इसीलिए यह सारे सेक्टर में आज निवेश किया जा रहा है। डीएमएफ, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, और सर्वोपरि मैं कहूंगा, कुछ मित्रों को यह बात पीड़ा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में तर्क हुई है, जब 2012-13 में देश एक विचित्र स्थिति में पहुंचा, आखिर ये नेचुरल रिसोर्स किसके हैं? ये खनिज संपत्ति उस आदिवासी के है कि नहीं है? उस राज्य के हिस्सा में आएगा कि नहीं आएगा? उन राज्यों को क्या मिल रहा है? क्या रॉयल्टी सिर्फ उनके अधिकार है? क्या मिल रहा है उन राज्यों को? लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की क्या योजना है, मैं बताता हूं क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दिनों में कहा नेचुरल रिसोर्स के ऊपर मूल अधिकार भारत के नागरिकों की है। कैसे प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है? हमारी सरकार ने पिछले 6 साल में कोयला हो, आयरन हो,
बॉक्साइट हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम रिसोर्स हो, ये सारे की संशोधन किया, नीतियों में संशोधन किया, नीलामी की नई व्यवस्था लाई, विशेष करके कोयला और आयरन और पूर्वी भारत की पूंजी है, बॉक्साइट पूर्वी भारत की पूंजी है, नई नीलामी व्यवस्था लाया गया। पहले तो बिना मूल्य के बड़े बड़े उद्योगपतियों को कौन चिट्ठा में दे रहा था उसकी आज मैं नकारात्मक बात नहीं करना चाहता हूं। कौन पैरवी कर रहा था, कौन चिट्ठा में दे रहा था, कौन फलाना पार्टी की ट्रेजरर सब हाँ करने के बाद मंत्री जी उसको अनुमोदन कर रहे थे, ये आज विवाद की विषय हो जाएगा, मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन हमने नया नीति लाया, ट्रांसपेरेंसी लाई, हमने नीलामी किया और एक भी पैसा दिल्ली की तिजोरी में नहीं आता है। उड़ीसा में नीलामी की पैसा उड़ीसा की लोगों के कल्याण के लिए भुवनेश्वर की तिजोरी में जाता है, रांची की पैसा रांची में जाता है, झारखंड की पैसा, बंगाल की पैसा कोलकाता जाती है, वहां की सरकार के हाथ को पैसा दिया जाता है खर्चा करने के लिए। हमने कोई तीन राज्य में भाजपा की शासन नहीं है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया,